सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन चीजों की मदद से आप हमेशा के लिए अपनी किडनी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं। अगर आप भी अपनी किडनी को हमेशा के लिए हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा और साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स के बारे में बताऊंगा। और ये टिप्स इतनी ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से आप हमेशा के लिए अपनी लाइफ टाइम के लिए अपनी किडनी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं, जिससे कि आपको किडनी से संबंधित कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। और बिना किसी देरी के आइए जानते हैं उन सारी चीजों के बारे में। उसमें जो सबसे पहली है वो है नारियल पानी। नारियल पानी के आप सभी फायदे जानते हैं, फिर भी आप सभी इसका कंजप्शन नहीं करते। नारियल पानी का पीना बहुत ज्यादा जरूरी है और कई लोगों को कुछ ना कुछ डाउट रहता है, तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं नारियल पानी से रिलेटेड एक सिंपल कर देता हूँ इसको एकदम पीना। देखिए, कई लोगों को लगता है कि डेली नारियल पानी का सेवन करना पड़ेगा और कई लोगों के लिए ये चीज एक्सपेंसिव हो जाती है। आपको डेली नारियल पानी पीने की जरूरत नहीं है, आप जो है हफ्ते में एक नारियल पानी पीने का जरूर से जरूर ट्राई करें। अगर हो सके तो दो नारियल पानी जरूर पीजिए वीक में, मतलब कि महीने में आपको 7 से 8 नारियल पानी का सेवन करना है, इससे ज्यादा नहीं। आप ये चीज ट्राई करके देखिए, आपको लगेगा कि आपके बॉडी में एक अलग से एनर्जी होगी, आपको आलसपन दूर हो जाएगा और इसके साथ साथ आपकी किडनी के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये एक बहुत सिंपल उपाय है, सिंपल मार्केट से आपको नारियल पानी को खरीदना और पीना है। आजकल बोतलों में नारियल पानी आता है तो वो प्रिजर्वेटिव उसमें डले हुए होते हैं, तो वैसे नारियल पानी का सेवन आपको नहीं करना है, आपको नेचुरल जो है वैसा सेवन करना है। ओके, यहाँ पर जो दूसरा उपाय है वो है आंवले का। आंवले का सेवन जो है अगर आप करते हैं तो आपके के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होता, तो आपको डेली एक आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। आप इसको उबाल करके भी सेवन कर सकते हैं या फिर आप कच्चा भी सेवन कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इसका सेवन कर सकते हैं। ओके, बट इसका सेवन करने से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आप इसका सेवन करके देखिए, आपके किडनी के ही नहीं, आपके बॉडी के अंदर तक जितने भी ऑर्गन है उन सबको बेनिफिट मिलने वाला है, आप जो है हेल्दी और फिट रहेंगे। ओके, उसमें जो तीसरा है वो है वेजिटेबल जूस। वेजिटेबल जूस इस टाइम पर आपके के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा अगर आप अपने किडनी को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं। तो वेजिटेबल जूस में जो भी सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनका आपको जूस बना करके सेवन करना है। कोई भी आप करेले का जूस पी सकते हैं, लौकी का जूस पी सकते हैं, खीरे का जूस पी सकते हैं, तो आप अलग अलग जूस जो है ट्राई कर सकते हैं सीजन के हिसाब से, जो भी सब्जियां मिले उसके हिसाब से। ये जूस आपको मॉर्निंग में पीना है और आपके के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सुबह आपको खाली पेट अगर आप पियेंगे और उसके 1 घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, आप ये ट्राई करके देखिए, आपकी बॉडी जो है अंदर से डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाएगी और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपकी नसें भी साफ होगी इससे और साथ ही साथ आपकी किडनी भी साफ होगी, आपकी किडनी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। ओके, यहाँ पर जो लास्ट फोर्थ चीज है वो है फ्रूट्स। अब ये जो फल है इनका सेवन आपको डेली बेसिस पे जरूर करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि डेली एक बनाने का सेवन करते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि केला ही खाना है, आप जो है संतरा, विटामिन सी रिच फूड ज्यादा जो है किडनी के लिए हेल्पफुल होता है, तो जैसे संतरा हो गया, अंगूर हो गया, कीवी हो गया, ये सारी चीजें आपकी किडनी के लिए काफी ज्यादा हेल्दी होती है। तो कीवी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो जरूरी नहीं है डेली खाना है, आप जो है अपने वीक में शेड्यूल कर ले कि आज एप्पल खाना है, कल अंगूर खाना है, ऐसे ऐसे शेड्यूल कर ले और सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं उनका आप सेवन करने का जरूर से जरूर ट्राई करें और हर एक दिन कोई ना कोई एक फल जरूर खाएं। ये चीज आपके बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा करती है, विटामिन्स को पूरा करती है और साथ ही साथ आपकी किडनी के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ये चार तरीके जो मैं बताए हैं, अगर आप ये डेली बेसिस पे फॉलो कर लेते हैं तो आपकी किडनी क्या, आपकी पूरी बॉडी जो है वो हमेशा के लिए हेल्दी और फिट रहेंगी। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। ये टिप्स आपके के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें सबसे पहली टिप नंबर 1 ये है कि अगर आपको बीपी है तो जरूरी ये है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल करें। अब सवाल खड़ा होता है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जो भी मैंने आपको चीजें बताई है उसमें आपको ये ध्यान रखना है और आप अपने डॉक्टर से, जिस भी डॉक्टर से आपकी मेडिसिन चल रही है, उस डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि किस तरीके से नेचुरल वे में आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टैबलेट खा करके बीपी कंट्रोल हो रहा है, वो नेचुरल तरीका नहीं है, आपको नेचुरल तरीके से बीपी को कंट्रोल करना है। जो दूसरा टिप्स नंबर ये है कि अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपने सुना भी है कि डायबिटीज पेशेंट की किडनी काफी जल्दी खराब होती है और जिनको भी ब्लड प्रेशर होता है उनकी भी किडनी काफी तेजी से खराब होती है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है और जरूरी नहीं है, सेम मैं आगे एनसी बोलूंगा कि मेडिसिन खा करके आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल करें, नेचुरल वे में आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने का ट्राई करें। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर से इस बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पर जो तीसरा है वो ये है कि चाय और कॉफी का जो सेवन है उसको आपको सीमित मात्रा में करना चाहिए, और मैं रिकमेंड ये करूंगा कि इसकी जगह पे आप हर्बल टी का सेवन करेंगे तो वो आपको ज्यादा फायदा करेगा। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, अगर आपको चाय और कॉफी की ज्यादा लत लगी हुई है तो अगर आप इसका सेवन नहीं छोड़ पा रहे, अगर आपको पीना ही है तो आप इसका कंट्रोल करिए। ये नहीं है कि दिन भर में चार चार कप आप चाय पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं, ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है। आप इसको जितना हो सके उतना कम करने का ट्राई करें और अपने लाइफ में हर्बल टी या ग्रीन टी का सेवन करने का आप ट्राई करें, आपके के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, यहाँ पर जो फोर्थ है वो ये है कि आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के कोई भी दवा नहीं खानी है, ऐसी कोई भी ओटीसी ड्रग का सेवन नहीं करना है जो कि आपके के लिए नुकसान है। यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हमारे सर में दर्द होता है तो हम एक बारी मेडिसिन खाते हैं, वो हर कोई करता है, एक बारी मेडिसिन खाते हैं सर में दर्द ठीक नहीं हुआ दोबारा खाएंगे और अगेन अगेन ये सारी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से आपकी किडनी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और कई लोगों को कोई मतलब आदत हो जाती है कि उनको फीवर भी होता है तो वो केमिस्ट के शॉप से जाकर के मेडिसिन ले आते हैं और उसके बाद वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं। ये चीज बहुत गलत है क्योंकि कई बारी जो शॉप वाले हैं वो जो मेडिसिन है काफी हार्ड दे देते हैं, जिससे कि आपकी किडनी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। और अगर आपको डायबिटीज है, इसके साथ साथ आपको बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस चीज सिचुएशन को फेस करना। इसलिए आप ट्राई करें कि आपको बिना डॉक्टर के परमिशन के ऐसी कोई भी दवा का सेवन नहीं करना है। आपको हमेशा कभी भी आपके शरीर में कोई भी दिक्कत आए तो आप अपने डॉक्टर से पूछें और उन्हीं से ही आप प्रिस्क्राइब मेडिसिन का सेवन करें। ओके, यहाँ पर जो लास्ट फिफ्थ है वो ये है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना है, अडॉप्ट करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर एक योगा तो करना ही करना है, 10 से 5 15 मिनट जो भी आपको टाइम मिले योगा एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि जो भी आप डेली लाइफ रूटीन में जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें कम से कम आप नमक का सेवन करें। जितना आपको सीमित मात्रा में नमक का सेवन करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा मीठी चीजों का भी सेवन नहीं करना है। जो एक लाइफ रूटीन में जो भी मीठी चीज आप फल फ्रूट खाएंगे उनमें उतना शुगर अवेलेबल है जो आपकी बॉडी के लिए वैल्यूएबल है, तो उतना ही आप शुगर का सेवन करें। एक्स्ट्रा चीनी वगैरह गुड़ वगैरह ये सारी चीजें ना खाएं। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं खाना है, ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी आपके बॉडी के लिए नुकसान दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, और बाकी जो अनदर लाइफस्टाइल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप सभी को पता है कि बाहर की जंक फूड नहीं खाने चाहिए, ऑयली चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप सभी को पता है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होगी, ड्रिंक्स वगैरह होगी, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किडनी के लिए लीवर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होती है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की डेफिनेशन आप सभी को पता है, बट हम फिर भी कहीं ना कहीं अनजाने में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। बट आपको एक बार अपने शरीर के बारे में जरूर से जरूर सोचना है, अपनी किडनी अपने हेल्थ के लिए जरूर से जरूर एक बार सोचिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई भी सवाल है तो मैं इंस्टाग्राम की भी आईडी डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप वहां जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो बस फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।